आप सभी सहयोग करें। आप सबके सामने स्क्रीन पे नीचे सारी डिटेल दी गई है, आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप सबके सहयोग के बिना ये कार्य नहीं हो पाएगा। कृपया करके सभी आगे आए। जय माता दी। बोलो दीदी। माता तो 11 साल हो गए, दिक्कत रहती है। सुनीता नाम है। दिक्कत क्या है दीदी? कोई भी काम नहीं, शरीर दर्द है शरीर में। माँ बोल रहे हैं कि बेचैनी अजीब सा दिखता है, पेशी भी आई है, गुस्सा बहुत आता है। माँ कह रही है शीतला मसानी माँ नाराज है आपसे। संकट भी है, संकट भी है, दिक्कत भी है, नाराज है। रहने वाली माता तो अच्छे गोले करवाए थे, माता गोला कर देती संकट वापस आ जाता मेरे में। और एक बार तो बेटे को परहेज तोड़ दे, एक बार शीतला मसानी माँ नाराज है इसलिए ऐसा होता है। पितर भी बंदे हुए थे क्यों माता जी? पर 4 दिन हो गए माता, मैं कती दूध नहीं देती, सा हो रहा है। दम टाइम दिया करती, हाथ ना लान देती। बाहर कुछ हो आया मैं बताई हूँ। माँ कह रही है कि जब तक शीतला मसानी माँ नाराज रहेगी ना, वो नहीं मानेगी, तब तक बार बार चौराहे की चीजें आती रहेंगी। और फिर तब तक माँ को मनाओगे नहीं, तब तक माँ ऐसे ही मतलब चीजें आती रहेंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। खंभे लगे पता दे माँ, शीतला माँ मम्मी शीतला मसानी माँ बनवानी है, ठीक है? उनके नाम का मुर्गा छोड़ना है, मुर्गा देना है उनके नाम का, मसानी माँ का नाम का सात करके मुट्ठी ये सब फिर करवाए, फिर करवाना है, पहले ये करवाना मसानी माँ और शीतला माँ बनवा के। उसमें मुर्गा उसका अंडे है ना सारे, हाँ
हार्ट में दिक्कत होने लग रही है। ये बीमार रहता है, जगह जगह की सारी चीजें घर में इकट्ठी कर ली हैं, तो बोलकर कालका माँ, शीतला माँ, साईं बाबा और बहुत चीजों को दुश्मन बना लिया तूने। गुरु धो करके और कुंडली बिगाड़ ली अपनी, गुरु गुरु के साथ धोखा करके तूने अपनी कुंडली बिगाड़ ली है। कुंडली दिखा अपनी, पता चल जाएगा। माँ कह रही है एक से ज्यादा गुरु करके सिर पर तूने भजन ले लिया है। एक तो तेरे पे गुरु धोखा भी लिखा हुआ है और ऊपर से ये भी लिखा है माने कि एक से ज्यादा गुरु सिर पर करके तूने भजन ले लिया है और अपना इलाज करा। माँ इलाज तो आप ही करो। कुंडली दिखाओ, कुंडली अच्छा। कुंडली दिखाओ पहले। वो आई थी सीरम डालने वाली, उस शादी करूं नहीं करूं। अच्छा सही है, वो आई थी बड़ी वाली बता रही है कि हमारे घर पीली भी डाल दी चाय खराब होने से। अब मेरे बच्चे का आ रहा है लड़का, इसके पापा की भी टांग दे दी चाचा ताऊ में सबके ऑपरेशन हो रहा है। नाम बताओ आपका। चंद्रकला। आपके पति का नाम? अरे एक मिनट दीदी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकला। आपके पति का नाम? पवन। आपके ससुर जी का नाम? जगन्नाथ। माँ ये बोल रही है कि अपने देवी देवता अपने उठाकर कहीं रखे थे क्या? और माँ ये बोल रही है कि उन्हें मनाओ, नहीं तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि तीन पीढ़ी पहले किसी ने देवी देवता पर लात मारी थी। ससुर की शराब पी के मारी थी। उपाय बताओ माँ, इसका क्या करें? फोटो
सही रास्ता दिखा। सपने में आप आके भी आपने बोल दिया इसको कि मैं करवाऊंगी तेरी शादी और सही नहीं। माँ कह रही है तू नहीं करेगी जो मैं कहूंगी। माँ मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैंने आपको मैसेज भी लिखा था। आप मुझे मतलब सही रास्ता दिखा दो, मुझे लग रहा है मैं खराब होती जाऊंगी आगे तक। लेकिन मेरे को अंदर ही ना कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं करनी चाहिए। माँ ने भी बहुत बार बताया, सपने में भी दर्शन दे देती हूँ, लेकिन मैं ना चाहती हूँ कि ना करूँ, लेकिन खुद ही मतलब सबको माँ को भी एक बार को नेग्लेक्ट करके आगे चली जाती हूँ। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे पता है कि नहीं करनी मुझे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा कुछ समय में। अब कुछ भी सक्सेसफुल भी कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ खराब होता जाएगा आगे तक। सेवा करो बेटा, माँ की लड़का ठीक नहीं है, माँ की भक्ति करो बस।